प्यारे बच्चों, आज आपको प्रोनाउन पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आज इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तो आगे चलते हैं, डेफिनेशन के साथ साथ कुछ एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद समझाएंगे। प्रो नाउन, प्रो प्लस नाउन। प्रो मतलब होता है सपोर्ट ऑफ ना प्रो मतलब होता है सपोर्ट। तो जो नाउन को सपोर्ट करता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे है, प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन ऐसे वर्ड है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बदले में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं, कुछ लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है। रवि एक लड़का है, रवि दिल्ली में रहता है, रवि पटना गया, रवि सामान के साथ आया। तो ये जो ऊपर वाला सेंटेंस हम पढ़े हैं, जितने भी ये सारे के सारे सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा, बेढंगा लग रहा होगा। क्योंकि सुनने में अटपटा तो है ही, लेकिन यह ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से भी बहुत ही गलत है। जब एक नाउन दोबारा प्रयोग करते हैं तो नाउन के जगह पे उसको सुंदर बनाने के लिए और नाउन के रेपुटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। उसी को देखिए आगे, सही ढंग से जो लिखा हुआ है, रवि एक लड़का है, रवि एक लड़का है और वह दिल्ली में रहता है। यहाँ पे रवि था और यहाँ पे क्या कर दिए, वह लगा दिए। रवि पटना गया, रवि की जगह पर क्या आया, वह। रवि सामान के साथ, रवि अपने सामान के साथ, यानी वह जो है रवि, ये रवि के लिए यहाँ पे वह यूज़ किए हैं। ये जो दोबारा यहाँ पे रवि आया है, वहाँ पे अपने आना था, तो अपने तो उसका खुद का नाम रवि है, तो यहाँ पे अपने सामान के साथ आया, तब जाके ये देखने सुनने और ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से भी अब जाके ये सही हुआ। इसको यदि ट्रांसलेट करते हैं तो रवि जे बॉय ही लिव्स इन दिल्ली, ही वेंट टू पटना, ही कैम, यहाँ पे कैम होगा, ही कैम विथ हिज लगेज, वह अपने सामान के साथ आया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका कितना उपयोगिता है। यदि हम इसको अवॉइड करते हैं तो ग्रामर में बहुत ही गलतियाँ आएगी। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ प्रोनाउन। नंबर ऑफ प्रोनाउन में ये जानना है कि सिंगुलर यदि कोई नाउन हो, कोई नाउन सिंगुलर हो तो उसका प्रोनाउन भी सिंगुलर ही आएगा। यदि एक लड़का है तो उसके लिए ही आएगा, दो है तो उसके लिए दे हो जाएगा, यदि प्लुरल है तो प्लुरल आएगा। मैस्कुलिन है, कोई नाउन मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन ही आएगा, यदि फेमिनिन है तो फेमिनिन ही आएगा, यदि न्यूटर है तो न्यूटर ही आएगा। उसके जो न्यूटर नाउन होता है, फेमिनिन नाउन होता है, मैस्कुलिन नाउन होता है, प्लुरल नाउन होता है या सिंगुलर नाउन, जो भी है उसके बदले में उसी प्रकार से आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि कोई लड़का है तो उसके जगह पे ही आएगा। हाँ, जैसे कि यहाँ पे दो नाम आपको लिखे हैं, समर इज ए बॉय, तो समर का स्पेलिंग जो है एस ए एम ए आर, समर इज ए बॉय, समर एक लड़का है, ही इज इंटेलिजेंट, समर एक लड़का है, वह तेज है। लेकिन वही दूसरे लाइन में हम यूज़ किए हैं समर इज ए सीजन, तो ये समर जो है आपको सीजन से रिलेटेड हो गया, ऋतु से रिलेटेड हो गया, तो यहाँ पर उसी के लिए इट का प्रयोग किया गया है। इट
तो दूसरी बात ये भी समझ में आई आपको कि जब सीजन नेम आएगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे बॉय था तो बॉय के लिए क्या किए, ही का यूज़ किए। नेक्स्ट है आपका सुरभि इज ए गर्ल, सुरभि एक लड़की है, सुरभि एक लड़की है तो फेमिनिन जेंडर से आ गया, फेमिनिन हो गया, तो उसके लिए प्रोनाउन जो आया है सी आया है, उसके लिए प्रोनाउन सी आया है। ऊपर में देख रहे हैं मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन, फेमिनिन है तो फेमिनिन, न्यूटर है तो न्यूटर, उसका प्रोनाउन आया है। नेक्स्ट है आपका शना एंड पूजा आर गर्ल, सना और पूजा लड़कियां है। दे डांस भरतनाट्यम, तो यहाँ पे लड़की ही है लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे डबल हो गया, तो जब ही जो ही डबल हो गया तो वो क्या हो गया, वो प्लुरल हो जाएगा, और जो ही प्लुरल होता है तो उसके लिए प्रोनाउन जो होगा दे आएगा। ये थर्ड पर्सन के लिए दे आता है और फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन ये आगे हम आपको बता रहे हैं। ये टेबल दिया हुआ है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में ये सारे के सारे एक टेबल है, जो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे केस लिखना था, यदि नहीं भी लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस पोजेसिव केस पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन, ये सारे के सारे याद करना पड़ेगा। इसमें कुछ समझाने वाली बात है जो कि बिल्कुल समझा रहे हैं हम अभी, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस है। उससे पहले ये जानना होगा कि कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, और हिज, अच्छा यहाँ पे ही होना चाहिए था, ये काट करके यहाँ पे ही होना चाहिए, और ये थर्ड पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, और ये सेकेंड पर्सन है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला जितना भी हुआ फर्स्ट पर्सन, दूसरी वाला जितना भी हुआ सब सेकेंड पर्सन है, और सबसे लास्ट वाला जितना भी है सेकेंड पर्सन है, और ये जो सेकेंड लाइन है वह भी फर्स्ट पर्सन है। इसके अलावा आपको जितना भी दिख रहा है ये सारे के सारे थर्ड पर्सन है। पहला वाला फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड वाला भी फर्स्ट पर्सन हो गया, और सबसे लास्ट वाला सेकेंड पर्सन हो गया। इसके अलावा जितना भी है सारे के सारे थर्ड पर्सन है। अब देखना है कि इसका यूज कहां कहां होता है। आई, आई लड़का हो या लड़की उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, फेमिनिन और मैस्कुलिन से कोई लेना देना नहीं है, वह दोनों यूज कर सकते हैं मैं के लिए। वी, फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों यूज कर सकते हैं, मेल फीमेल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ही आएगा, तो यहाँ पे जो ही है सिर्फ और सिर्फ मेल जेंडर के लिए यूज किया जाता है, किसी लड़का के लिए किसी पुरुष के लिए यूज होगा। नेक्स्ट है आपका सी, किसी लड़की के लिए यूज होगा। इट, इट कई एक जगह यूज होता है, यह आपको नॉन लिविंग के लिए होता है, टाइम के लिए होता है, आवर के लिए होता है, ईयर के लिए होता है, सीजन के लिए होता है, सीजन या वीदर कह लीजिए,
और मंथ के लिए भी यूज होता है। नॉन लिविंग टाइम, आवर, ईयर, सीजन, मंथ, वीदर, ये सारे के सारे के लिए यूज होता है। इसमें थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यदि अभी तुरंत ही ऊपर में आपको बताए हैं समर, समर नाम का यदि इंडिकेट हो कि कोई लड़का है तो वहाँ पर तो ही का यूज करेंगे, लेकिन जब वेदर का महसूस होगा तो वहाँ पे इट का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, कोई एक आदमी है उसके लिए हम वन का यूज करते हैं। और दे, दे मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज़्यादा हो तो उसके लिए दे का यूज़ किया जाता है। यू, यू सेकेंड पर्सन है, लड़का लड़की दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। और ये सारे के सारे सब्जेक्टिव के रूप में, ए ऑब्जेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। ए पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। और ये सारे के सारे पोजेसिव प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हम इंक्लूड कर दिए हैं, ये तो अलग ही पढ़ना है इसे। मैं तो आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस इसमें पढ़ना था। यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पोजेसिव केस माई होता है, पोजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। वी का वी, अस, आवर, आवर्स, हिज, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, हिज, हिज। सी का हर, हर, हर्स। इट का इट, इट्स, इट। वन का वन, वंस, वन। दे का देम, दियर, दियर्स। यू का यू, यू, यू। अब आपको ये समझना है कि ये जो है इसके साथ वर्ब कौन कौन से आते हैं। सामान्यतया आई, आई के साथ आई दोनों केस में आता है, सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। वी प्लुरल होता है, ही हमेशा सिंगुलर होता है, सी हमेशा सिंगुलर होता है, इट हमेशा सिंगुलर होता है, वन हमेशा सिंगुलर होगा, दे हमेशा प्लुरल होगा, यू सामान्यतया 99.99% जो है हमेशा प्लुरल नहीं होता है, लेकिन एक आध जगह, एक या दो जगह जो है उसका सिंगुलर भी यूज किया जाता है। वो आपको नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे कि कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये पता चला कि सिंगुलर प्लुरल कितने कितने काउंट कर लीजिए, वन, टू, थ्री, फोर, आपका फोर प्लुरल आएगा। और वन, टू, थ्री, फोर, ये फोर का फोर जो है सिंगुलर, यानी चार सिंगुलर और चार चार प्लुरल आ रहा है। तो प्लुरल के साथ प्लुरल और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये आपको आगे चल के पूरा बताएंगे डीपली। नेक्स्ट है आपका प्रोनाउन पर्सन। प्रोनाउन पर्सन में ये जानना है कि पर्सन कौन कौन से होते हैं। ये फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आपका आई, वी अभी पीछे आपको पढ़ाए हैं, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, और प्लुरल हो तो दे। दे प्लुरल होता है, ही, सी, इट सिंगुलर, ये हमेशा प्लुरल होता है। आई हमेशा सिंगुलर और प्लुरल दोनों में यूज किया जाता है। और बी जो है दोनों के सिर्फ और सिर्फ प्लुरल में यूज किया जाता है। इस यहाँ पे एक और बात बताते चले आपको कि इसमें कुछ सीनियरिटी होता है। यदि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन दोनों आ जाए
तो फर्स्ट पर्सन होता है सीनियर होता है, फर्स्ट और थर्ड आ जाए तो फर्स्ट ही सीनियर होगा, सेकेंड और थर्ड आ जाए तो सेकेंड सीनियर होता है, इधर से जो कुछ आएगा तो वो सीनियर होता है कुछ, वो आगे चल के आपको बताएंगे सीनियरिटी क्या होता है। नेक्स्ट है आपका सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन आता है, जैसे कि रानी, ये सिंगुलर है तो इसके लिए क्या ही सी आएगा, प्लुरल है तो प्लुरल आएगा। एक से ज्यादा नाउन है, नाउन नंबर वन, नाउन नंबर टू, आपको पहले एग्जांपल दे चुके हैं ऐसे, तो वहां पे उसका जो है प्लुरल प्रोनाउन आएगा। यहाँ पे सीनियर आपको लिख दिए हैं, सीनियर कहाँ पे लगता है वो आपको हम बता देते हैं यहीं पे अभी। जैसे कि यहाँ पे है यू एंड आई मस्ट डू योर वर्क ऑनेस्टली। यहाँ पे देखने वाली बात है कि अभी तुरंत आपको बताए हैं कि फर्स्ट सेकेंड में यदि आवे तो फर्स्ट जो होता है ना सिंगुलर होता है, और यहाँ पे पॉजेसिव केस लगेगा, तो पॉजेसिव केस के लिए यू और आई, तो आई सीनियर है तो आई वाली जो है पॉजेसिव केस आएगा, और एक से ज़्यादा है, पर्सन कितना हो गया एक से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे अस आवर आएगा, ओ यू आर आवर। तो यहाँ पे होगा यू एंड आई मस्ट डू आवर वर्क ऑनेस्टली, योर नहीं होगा, योर गलत हो गया, क्योंकि सीनियरिटी के अनुसार से फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकेंड थर्ड है तो सेकेंड आएगा, फर्स्ट और थर्ड है तो फर्स्ट आएगा।